लेकिन आज भी लोगों के पहलू में वो दिल है कि वो हिदायत कबूल करते हैं, उनके दिलों में ये चीजें आती हैं। हुजूर के आने से पहले बच्ची का मकाम नहीं, माँ का मकाम नहीं। अरब ज्यादा शादियां आज भी करते हैं, पहले भी करते थे। जब शौहर मर गया, सारी औरतें बेवा हो गई, बच्चे जो चाहे करें अपनी माँ को लौंडी बनाए, नौकरानी रखे, मजदूरी पर बर्तन धुलवा कर मजदूरी कमवाए, हत्ता के अगर माँ काम की न रहे तो पास की मंडी में जाकर माँ को बेच दे। जहाँ माँ जिनसे बाजार बन चुकी थी, वहाँ आमना के लाल ने माँ की इज्जत को चार चांद हुजूर ऐसी रहमत बनकर आए, ऐसी रहमत बनकर आए कि सैयदा हलीमा की खुद बकरियां चलाई। हलीमा ने कहा, मेरे मोहम्मद, तेरा रूम में निकलना मुझे गवारा नहीं, लेकिन हुजूर मनमोहन ने अंदाज में कहते हैं, अम्मी मैं जाऊंगा अपने भाई अब्दुल्ला की मैयत में हलीमा सालिया की चरागाह में, वो कायनात का ताजदार वहां पर बकरियां चरा रहा। क्यों, किसी को क्या मालूम मुस्तफा हलीमा की चरागाह में बकरियां क्यों चरा रहा? हलीमा को न समझ आया, लोगों को न समझ आया, लेकिन मुस्तफा पैगाम दे रहे हैं, लोगों मेरी तरफ देते हैं, मैं खुदा का यार हूँ, नबियों का सिरदार हूँ, अम्बिया का ताजदार हूँ, सारी कायनात का ताजदार हूँ, लेकिन माँ की बकरियां चराने वाला खिदमत फिर ये भी बताया, समझाया लोगों, हलीमा तो मेरी रजाई माँ है। गौर करो, जो रजाई माँ से रिश्ता है, गुलामी रिश्ता है, खिदमत ये काम कर रहा है। सोचो ना, अगर मुझे आमना जिंदा मिलती तो मेरी फिदा कारियों का आलम क्या, मेरी सैयदा आमना की खिदमतों का आलम क्या होगा? यही वजह है जब अल्लाह ने इजाजत दिया, हुजूर सैयदा आमना की कब्र अनवर पर गए, तारीख के सफात पर आज भी वो रिवायत मौजूद है। हुजूर जब मकाम अबवा पर माई आमना की कब्र के पास बैठे, चल साहबा साथ फरमाते हैं, अम्मी की लहत थी, किबला सिरमत बैठ कर हुजूर अम्मी की कब्र को देख रहे हैं। थोड़ी देर के बाद रिसालत की आंखों से टपटप आंसू गिरने लगे, हुजूर की आंखों का पानी अम्मी की कब्र की मट्टी को सैराब करने लगा। साहबा कहते हैं, जब हुजूर रोने लगे तो सहाबा भी रोने लगे, माँ की कब्र पर फूल नहीं, कलियां नहीं, पत्तियां नहीं, ये आंसू की सौगात कौन पेश कर रहा है? आमना का दार पेश कर रहा है, दो जहां का ताजदार पेश कर रहा है, बता रहा है लोगों ये बारगाह। आज यारब कहता है, मदर डे मनाओ, साल के बाद माँ को फूलों का गुलदस्ता दो, फिर यारब का बागी बेटा साल भर माँ का मुंह नहीं देखता, कहां साल के बाद माँ को फूलों का गुलदस्ता पेश करना और कहां माँ की खबर की खाक को आंसुओं का गुलदस्ता पेश करना। बता मेरे मुस्तफा की रहमतों का आलम क्या है, माँ का कितना मकाम बयान किया। आज अगर तू और मैं मीलाद मनाते हैं, माँ का एहतराम नहीं करते, हमारी माँ दुखी है, तेरी जवानी की बगावत तेरी माँ के खातर में नहीं डालती, तेरे ओहदे का इफ्तिखार माँ को नजरअंदाज करता है, तेरी दौलत की फरावानी तेरी माँ को इग्नोर करती है, लानत है ऐसी इज्जतों पर। खुदा की कसम, मेरे मुस्तफा करीम ने कितना माँ का पाया बदल कर दिया, बाप का पाया बदल कर दिया। फरमाया, मेरे उम्मती सुनो, खुदा की रहमत के दरवाजे रहमतुल्लिल आलमीन फरमा रहा है, जो मेरा उम्मती मोहब्बत की नजर से बाप के चेहरे पर या माँ के चेहरे पर एक नजर डालेगा, वह मुस्तफा से मकबूल हज की बशारत यह करम। अब गौर तो करें, मेरी माँ मेरी मुझसे ना, आपकी माँ आपकी मुझसे ना, मेरी माँ मेरी बंदा परवर, आपकी माँ आपकी बंदा परवर, माँ हमारी मुस्तना हमारी कर्मशियार हमारी, हम ही उसे प्यार से देखें तो उल्टा झोली भी हमारी ही यकीन से भरी है। क्या प्यारी बात है कि बन के खैरुल वरा गए मुस्तफा।
ऐसे इनाम।